और इसके साथ आज जाएंगे हम किधर, हलवे खाने। चेक करो इससे ज़्यादा खुशनसीबी इंसान के लिए क्या होगी कि आपके सामने है हरम। कुछ नहीं है इसके बाद, जबरदस्त होता है। वैसे वली देखा जाए अलबेग से अच्छे काफी ब्रोस्ट हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम हो गया आप लोगों का अनदर व्लॉग में। तो भैया सीन ये है कि अभी मैं ऑफ करके आया था काम पे और मुझे रैंडम मेरे जहन में चल रहा था कि आज यार अलबेग खाने चलें, और उसी रैंडम बिहाफ पे मुझे कॉल आती है मेरे दोस्त की, हसन की, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड एवर इंशाल्लाह। और उसने कहा वलीद चलो चल रहे हैं कहीं, तो मैंने कहा कहाँ, कहते बस चलो आ जाओ चलते हैं इंशाल्लाह। मैंने कहा चलो चलते हैं भाई, इंजॉय करते हैं और थोड़ा सा टाइम निकाला है तो चलते हैं इंशाल्लाह। खैर इसी के साथ व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब मस्ट है गाइस, इंशाल्लाह व्लॉग अच्छे आएंगे, और सपोर्ट करो भाई को, लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, आ जाओ इंशाल्लाह और मिलते हैं हसन से। आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद मेरा दोस्त आ गया है जो मुझे एयरपोर्ट से लेने आया था, और इसके साथ आज जाएंगे हम किधर, अलबेग खाने, अलबेग जाएंगे। तो भाई ये रहा, और तो सीन ये है आज जा रहा हूँ मैं हसन के, लोगों ने कहा चलो छोटा सा प्रोग्राम है एंजॉय कर लें कहीं निकले। हाँ यार थोड़ा आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद यार मतलब आज आप लोगों के साथ जो है ना हम लोग इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे अलबेग का। मैंने तो किया है भाई आज से कितने सालों पहले भी किया है, लेकिन इंशाल्लाह अब आप लोगों के साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने जा रहा है। बेल्ट शर्ट बांध लिए क्योंकि भाई यहाँ पर बताओ, यहाँ हर जगह ज़रूरी होती है वैसे, हाँ पाकिस्तान में तो लगाते नहीं है और ना कोई मसला होता है, बट सीन ये है कि यहाँ पर ज़रूरी है। तो भाई एक जगह की कुछ दवाइयाँ शवाइयाँ लेने आए थे दोस्त को चाहिए थी, और अब इसके बाद सीन ये है कि अब जा रहे हैं कुछ मोमोज खाने। मैं अगर अपनी ज़बान में अरबी ज़बान में बोलूँ वो बेसिकली है मंतू, और वो यहाँ मिलते हैं अखोन में। थोड़ा बहुत चखते फिरते चखते वक्ते जाएंगे इंशाल्लाह, हल्का हल्का पेट भरेंगे अपना, और फिर मेन जो हमारा फोकस है वो है आपका क्या नाम है अलबेग। चलो ये आ गया भाई फरमूजा, इसको गरम गरम इसको कहते हैं फरमूजा, और वहाँ जो स्टीम हो रहा है आपका मंतू, मंतूस कहते हैं हाँ लोग, जैसे पाकिस्तान में बोलते हैं ना हम मोमोज खाने जा रहे हैं, तो वो बेसिकली मोमोज मंतू कहते हैं हम लोग, ठीक है याद रखना। आए हाय हाय फुल गर्मा गर्म निकाला इन्होंने, ये है मंतू, ठीक है। ओ माय गॉड की ओपनिंग करो, अय है ये है मंतू, ये मैं बिल्कुल वो लिए और स्टार्टर लिए थोड़ा सा कि चलो खा लें थोड़ा सा बस पेट में कुछ चला दे। हाँ ये भी काम से ऑफ करके आया और मैं भी काम से ऑफ करके टाइम निकाल के थोड़ा घूमने ये सर आपका यार हम लोग कितना खाते थे हसन ये स्कूल के वक्त, खाते बहुत थे और बहुत वाकई बहुत मजे का होता है। अच्छा मतलब ये बहुत औसम है, चलो गोश्त अंदर डालो पे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन बहुत गर्म है मेरी तो चीरे निकल जाएंगी। बहुत आ रहा है यार, गर्म नहीं है, नॉर्मल है। कैसा लगा, तू तो खाता रहता है ना, मेरा फर्स्ट टाइम था आफ्टर 7 इयर्स बाद। सही, अब ट्राई करते हैं मंतू, मंतू बिस्मिल्लाह। ये बिल्कुल कच्चा कच्चा होता है, आप लोग देखोगे आप बोलोगे व्हाट इज दिस, ऑसम, मजा आ गया। चेक करो इससे ज़्यादा खुशनसीबी इंसान के लिए क्या होगी कि आपके सामने है हरम। हाँ सन क्या कहते हो उसके बारे में तुम, सबसे खुशनसीबी ये कि हम बरकत, मतलब बरकत है शहर में,
सीरियसली इस शहर में इतनी बरकत है माशाल्लाह और इतनी खैर है यहाँ पर, मैं कसम से नहीं बता सकता। और जो इंसान जो रह रहा होता है वही फील कर सकता है माशाल्लाह। भाई हम पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान की मिठाइयाँ सारी, अय हाय हाय, आपका दिल पसंद और आपका कसरे VIP सीन है, समझ आ रहे हो VIP। और यहाँ गोलगप्पे हैं, समोसे हैं, सब मुझे पाकिस्तान ली मार्केट वगैरह की सब याद आ गई, समझ रहे हो, बंस रोड अपना सब वही याद आ गया। और अब यहाँ से कुछ सामान वगैरह ले रहे हैं अपनी भाभी के लिए, भाई मेरा दोस्त से शादी कर ली थी बहुत जल्दी माशाल्लाह, और बस वही लेते हैं और निकलते हैं। रमज़ान वाली फेमियाँ देख लो, ये तो रमज़ान में जो रौनकें होती थी ना इसकी, सीरियसली मैं नहीं बता सकता, वो यहाँ मिस करूँगा बट नो, इतना ज़्यादा मिस नहीं करूँगा मैं। खैर यहाँ पे वैसी और बाकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि आप लोग देख लो अपनी रेवड़ियाँ पड़ी हुई हैं इधर, और ये इसको पता नहीं इसको यार क्या कहते, इसको क्या कहते, ये तो बादाम, अबे खश खश, पता नहीं क्या बोलते हैं, खैर जो भी बोलते हैं खाने से मतलब रखते हैं। आए यहाँ पे भाई पेट्रोल डलवाते हैं, ये जो आपकी गायें समझ लो भैंस रखी हुई है ना इसने माशाल्लाह, ये बहुत पेट्रोल पीती है, 8 सिलेंडर है, ओके कैडिलक एस्केलेड, ओ माय गॉड। अच्छा तो गाइस सीन ये है, ये वो रास्ता है जहाँ हम लोग एक लम्हा नहीं छोड़ते थे गाड़ी भगाने में, मतलब आप लोग ये मैं आपको शो कराता हूँ, ज़रा आप लोग ये मीटर देख रहे हैं 200 वाला है, इस गाड़ी पर हमने कंप्लीट मारा हुआ है, लेकिन अब माशाल्लाह भाई की शादी हो गई है तो बिल्कुल देख रहे कैसे चला रहे गाड़ी माशाल्लाह। वक्त जैसे ही होता है, वक्त वक्त की बात होती है, जज्बाती होता है बंदा बाद में समझ। अच्छा मुझे कहता था वलीद क्या कर रहे, हटा इस बंदे को, लाइटें मार डग, मतलब वो वाकई ऐसे ही वक्त होता था, लेकिन वाकई होता था माशाल्लाह, लेकिन अब बड़े हो गए हैं भाई, मैच्योर हो गए हैं, लेकिन यार अल्हम्दुलिल्लाह वैसे कोई फायदा नहीं पकड़ने। खैर लेकिन बंदा जब थोड़ा सा अपने को क्लियर करना चाहता है ना, थोड़ा माइंड फ्रेश करना चाहता है, मैं चाहता हूँ भगा ले बंदा गाड़ी। खैर और सीन ये है कि अभी बस घर की तरफ पहुँचने वाले हैं, और ये हमारा जो मेन जो रास्ता था, ये हम यहाँ से स्कूल जाया करते थे और काफ़ी इन्जॉयमेंट की हमने ज़िंदगी में, मेरे बचपन का दोस्त है, तो ये मेरी और इसकी दोस्ती माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बुरी नजरों से बचाए। अबे साले। खैर अमीन और मैंने आप लोग पर टोन नहीं मारा, आप लोग नहीं समझना कि मैंने आप लोग मारा है, बस अल्लाह बचा कर रखे इंशाल्लाह। और बस आप लोग सोच रहे हो कि अभी तक अलबेग क्यों नहीं आ रहा, भाई आएगा इंशाल्लाह जल्दी आएगा। ये पर कैमरे देख रहे हैं आप लोग ने, चले गए कैमरे, तो ये वो कैमरे हैं जब अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो और वीडियो या कैमरा और हाथ में कोई ग्लास पकड़ा हो तो डायरेक्ट आ जुर्माना डायरेक्ट आ जाता है, ना फ़ोन हो ना बेल्ट नहीं पहना हुआ, भाई ये चीज़ें हैं यहाँ पर, इंसान एक रूल्स में रहता है यहाँ पर, पाकिस्तान में क्या है भाई यहाँ से वहाँ से निकलो, लेकिन खैर। भाई सीन ये अलबेग आ गया हूँ मैं, और चश्के दिखाते हैं फिर आपको। भाई रसीदें तो आ गई और नंबर चल रहा है 928 और वहाँ चल रहा है 868। अब ऑर्डर लेते हैं, जब तक हसन गाड़ी पार्क कर रहा है सही है, ये ऑर्डर लेकर और फिर आपको रिव्यू कराते हैं इंशाल्लाह। मैं अपनी पर्ची लेके खड़ा हूँ और शोर सुन रहे हो आप लोग, मेरी पर्चियाँ मुझसे लेनी है और ऑर्डर रेडी हो रहा है, और शोर सुना आप लोगों ने कितना शोर होता है यहाँ पर। आ गया है फाइनली अलबेग आप लोगों के सामने, ठीक है अब इंतज़ार नहीं हो रहा, क्या कहते हो खा लें बस, हसन स्टार्ट करो आप, ये खोलो ये तो कोसलो है,
ये है, इसको कहते हैं अरबी में सलात मलफूफ कौसलो, ठीक है। ये है हम्मस, इस ये किससे बना हुआ है, ज़रा एक्सप्लेन किया जाए इसको। ये अभी फिलहाल भूख लगी नहीं, ज़रा जो है ट्राई करते हैं पहले इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे वही याद है यार, खोला हुआ है ये, मैंने थोम खोला, ठीक है। थोम खोलते फिर इसकी जो हम मिक्सिंग करते हैं ना, मिक्सचर जो मिक्सचर करने के बाद हम इसको डालते हैं इसके अंदर फुल सही, मतलब इसको कॉकटेल बनाए, समझ रहे हो, कॉकटेल बिल्कुल। ये जब बन जाएगा ना पूरा मिक्स करने के बाद इसको, आए हाय इतना गर्म नहीं है, बस चलेगा। इसके बाद कुछ नहीं है यार। Awesome. मजेदार। कुछ नहीं है इसके बाद। जबरदस्त होता है। वैसे वली देखा जाए अलबेक से अच्छे काफ़ी ब्रोस्ट हैं। नहीं मतलब अलबेक अपनी जगह पे है उसका ब्रोस्ट। देखो बात सुनो, अलबेक अपनी जगह पर ही एक नाम रखता है, ठीक है। मैंने खाए हैं ब्रोस्ट, लेकिन यार इसके बाद मैं तुम्हें खिलाऊंगा इंशाल्लाह अलग अलग ब्रोस्ट। चलो हम इनका अपना टेस्ट रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। रिव्यू करना, बताना कैसा लगता है। और ये 7 साल बाद तो खा सकता हूँ ना, अगर आप लोग पानी आ रहा है आप लोग आओ, मैं खिलाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। चलो अब हम लोग खाएं, इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। मेरे खाने का असल तरीका तो ये है, और ये जो बस आप लोगों को रिव्यू करा रहा था मैं, हम प्रॉपर जो है ना सही ऐसे करके, और ये वाला सॉस तो यार कॉकटेल है, ये इन्होंने मिक्स किया हुआ, ये जो है ना ये वाला, ये इन्होंने मिक्स किया हुआ है और ये हमने किया। अब मिलते हैं आपसे खाने के बाद। फाइनली गाइज अल्हम्दुलिल्लाह खा पी के फ्री हो गए हैं, सही है। और अलबेक आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद वही टेस्ट रहा, लेकिन हसन मुझे कह रहा है कि हमें और भी ब्रोस्ट ट्राई करवाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह वो भी अपनी जगह पे, उनका एक अलग टेस्ट है, वो भी अपनी जगह पे एक कुछ, हर टेस्ट अपना एक वो क्या एक वो रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, खैर जो भी जायका रखते हैं, खैर। और इंशाल्लाह जो है हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा ज़्यादा जो है ना फूड व्लॉग्स भी आएंगे साथ साथ, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह, सही है। अब जा रहे हैं कुछ खाने के बाद कुछ मीठा खाने इंशाल्लाह, वो भी एक बहुत आला टेस्ट है, आ जाएँ उस मीठे के साथ जो है ना व्लॉग को एंड करेंगे इंशाल्लाह। यार ये जगह है कयान, जो कि अक्सर मुझे स्नैप्स पर ये दिखाता रहता था, ठीक है। और यहाँ से पकड़ते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं इंशाल्लाह, सही है। वाहिद क्रेप क्या, इसकी ज़रा अनबॉक्सिंग करें हसन भाई आप। हाय 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 हाय, ये रहा आपका एक और एक ये, अच्छा ज़रा इसको बताओ ये है क्या चीज़ यार, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पेन केक्स को, उनका पेन केक ही टाइप होता है ये, खैर ऊपर नोटेला से चॉकलेट है इनके, अच्छा। खास जो चॉकलेट आती जो डालते। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। फर्स्ट चेकअप के कैसा लगेगा। काफ़ी बेस्ट है यार, मतलब जो चीज़ हम देखते थे स्नैप पे उनमें पानी आ रहा होता था, ठीक है, मैं कहता हूँ गुड है यार, बहुत बेहतरीन चीज़ है, समझ रहे हो। सो गाइस फाइनली मीठा बहुत ही आला था, ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे अनदर व्लॉग में।
और आई होप सो आपको मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छा लगा होगा, ये मेरे बचपन का यार है और इंशाल्लाह हमारी दोस्ती हमेशा कायम और दायम रखे अल्लाह ताला, आमीन लिख देना और कमेंट्स अच्छे अच्छे कर देना, सही है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं अनदर व्लॉग में, और वलीद खान 23 इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, और इंशाल्लाह बस मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी कुछ अनदर व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे